पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कमाल कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का निर्णय किया। इस मुकाबले की बात करें तो निर्धारित 50 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 314 रन का बड़ा स्कोर लगाया और नीदरलैंड की टीम को 315 का टारगेट दे दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में शानदार पारी खेली ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने। बता दें कि फखर जमान ने बाबर आजम के साथ शतक की साझेदारी की और टीम को इतने मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। साथ ही फखर जमान ने अपना 7वां वनडे का शतक भी पूरा किया। फखर जमान की बात करें तो उन्होंने जीवन दान का अपना पूरा फायदा उठाया। 42 रन पर जब वह खेल रहे थे तब उन्हें जीवन दान मिला, लेकिन इसके बाद वह रुके नहीं और उन्होंने शतक ठोक दिया। पाकिस्तान की टीम को इमामुल हक के रूप में पहला झटका लगा। बाबर आजम और फखर जमान ने मिलकर के शतक की साझेदारी खेली। फखर जमान की बात करें तो उन्होंने 109 गेंदों का सामना किया और पारी में 109 रन ही बनाए। उन्होंने 109 रन की पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाया और 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसके अलावा बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 85 गेंदों में 74 रन बनाए, जहां उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया और 87 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। फखर जमान की बात करें तो वह रन आउट हुए, उन्होंने शतक ठोक करके एशिया कप के लिए अपनी दावेदारी और साथ ही बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आपको बता दें कि नीदरलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लोगन वैन बीक ने लिए, उन्होंने 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा बाजदी को भी 2 विकेट मिले। और बात करें अगर पाकिस्तान के लिए अन्य बल्लेबाजों की तो शादाब खान ने भी नॉट आउट 48 रनों की पारी खेली। फखर जमान की बात करें तो उन्होंने 36वें ओवर में चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। 2021 के बाद उनकी यह पहली वनडे सेंचुरी है। इसके अलावा उन्होंने अपना 7वां वनडे का शतक पूरा किया है। एशिया कप से पहले भारत के लिए भी कहीं ना कहीं अब उनकी फॉर्म चिंता का विषय बन सकती है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ फखर जमान का रिकॉर्ड शानदार रहा है और अब उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ शतक लगा करके अपनी लय हासिल कर ली है। बात करें अगर पाकिस्तान की मौजूदा टीम की तो पाकिस्तान की मौजूदा टीम में फखर जमान ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ भी शतक ठोका है। ऐसे में अब वह अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और भारत के लिए चिंता बन चुके हैं। बात करें अगर फखर जमान के एशिया कप के रिकॉर्ड की तो एशिया कप में उनका शानदार बल्ला चला है और 130 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अब नीदरलैंड की टीम 315 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी और कहीं ना कहीं टीम के लिए यह बड़ा लक्ष्य होगा। बता दें कि फखर जमान और बाबर आजम के बीच इस मैच में 168 रनों की साझेदारी हुई। आपकी क्या कुछ राय है फखर जमान के इस शतक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।